नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण आज पहुंचा है पैसिफिक मॉल। दरअसल एक खबर अखबार की जिसमें कल बताया गया कि तमाम जितने भी ब्रांड हैं वो मिलने वाले हैं बहुत सस्ते, उस जगह पर भी हम जाएंगे। आप खबर तक बने रहिए क्योंकि आज सारे कस्टमर्स के लिए है। किस तरह से उसमें दिखाया गया है, चाहे कि रीबॉक हो, पूमा हो या अन्य ब्रांड, इनके कपड़े बहुत मिल रहे हैं सस्ते। तो पहले रीबॉक में चलते हैं और फिर बात करते हैं। चलो कोई नहीं, बिलिंग भी आप कर दे। ये देखिएगा, यहाँ पर रीबॉक में आप आएंगे तो बहुत सारे के यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो जूते हैं, जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं वो मिलती हैं आपको। और जब आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो इनके दाम भी अच्छे होंगे, ऊपर से इतने बड़े मॉल में हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को एक अच्छी प्राइस पर दे रहा है, यानी कि क्वालिटी भी साथ में देता है वो। चाहे शूज़ की बात करो, यहाँ पर आप देखिएगा शूज़ में भी वेराइटी अलग है, रनिंग के अलग हैं, वॉकिंग के अलग हैं, ट्रेनिंग के अलग हैं, क्लासिक्स अलग हैं, तो अलग अलग तरीके के जूते होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो भरे अखबार में ऐड दे देता है इतना बड़ा बड़ा और कहता है ये सारी जो वैरायटी हैं इनके जूते आप 299 में ले सकते हैं, हमें शायद पता है और काफ़ी जनता को भी शायद ये पता होगा कि ये गलत है। लेकिन ये बरगलाने का जो काम कर रहा है कोई, हम उसके खिलाफ जरूर हैं। पहले तो नमस्कार मेरे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय नेगी है। तो नेगी जी, यहाँ पर मैनेजर हैं स्टोर के। नेगी जी, ये खबर क्या है, ये देखा आपने? सर मैंने ये खबर देखी तो नहीं, बट अभी आपके न्यूज़पेपर देख रहा हूँ। सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि 299 से शुरू हो, 650 से। सर हमारे रेंज ही 3 से अबव होती है। आपके यहाँ का जुराब कितने का मौजूद? सर स्टार्टिंग 199 की होगी सॉक्स। देखो सॉक्स भी अगर आप लेंगे वो भी आजकल ट्रिपल के पेयर में आते, तो वो भी कम से कम 700-800 का सॉक्स ही होगा। ट्रिपल सर 599 से स्टार्ट है हमारा, ट्रिपल पेयर 599 से स्टार्ट है। ट्रिपल पेयर 599, मतलब 600 रुपए का सॉक्स है। और ये बात कर रहे हैं अलग अलग सी चीज़ें का, कितना मानते हो आपको सच कितना है इसमें? सर ये तो 100% झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर हमारे स्टोर जाओ तो फैक्ट्री स्टोर जाओ, डिस्काउंट होता है वहाँ पे। स्टार्टिंग शूज़ की 2000 से होगी डिस्काउंट के बाद भी। जो इनका फैक्ट्री आउटलेट भी है, फैक्ट्री आउटलेट वो जहाँ पर कस्टम्स कुछ शूज़ होते हैं या फिर जो ब्रांड अब अवेलेबल स्टोर में नहीं होते वो फैक्ट्री आउटलेट में आपको मिलते हैं, वहाँ पर भी इतना सस्ता नहीं है। चलिए और स्टोर में भी बात करेंगे वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और फिर हम ये अखबार लेके देखिए, अभी पहुँचे हैं पूमा के स्टोर में। पूमा का स्टोर आप देख पा रहे होंगे। सर आपका मिनिमम कॉस्ट कितना है किसी प्रोडक्ट का? शूज़ का हमारा 5000 स्टार्ट होता है, अपैरल्स में 2000 से। और सर ये तो कह रहा है कि 150 रुपये से शुरू हो रहे हैं? नहीं नहीं, हमारी सॉक्स ही 500 से स्टार्ट होती है। तो ये क्या है, मतलब ये जो एड दे रहा है बड़े अखबार में, क्या सोच के इसने सोचा कि ये इतनी बड़ी कंपनीज बंद हो रही हैं और मैं इनको बस बेच रहा हूँ? हमारा कुछ नहीं है सर, प्यूमा का कोई वो नहीं है इससे, ये सारा फेक ही है। अच्छा, तो ये कब से कर रहे हैं? ये काफ़ी दिनों से चला रहे होंगे ये तो, ऐसे इसी तरह से एड सबके कंपनियों के डाल रहे हैं? ये तो हमने आज ही देखा सर। वैसे कस्टमर्स को क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? ये फेक के चक्कर में न पड़े, सारा फेक होता है, ओरिजिनल सारा स्टोर पे ही होता है। कस्टमर भी सारा नोन है सर, आजकल ऐसा कुछ नहीं है, कस्टमर को पता है, सारा अवेयर है कस्टमर। यही बात हम भी कह रहे थे, कस्टमर भी अवेयर है, लेकिन आप लोगों को भी सचेत रहना होगा क्योंकि जो इन्होंने कहा है, इनके मैं सॉक्स की अगर कीमत देखूं, यहाँ पर इनके सॉक्स की कीमत भी लिखी हुई होगी, ये 3 पेयर का है और 599, 600 रुपये का एक सॉक्स है। और ये बात कर रहे हैं कि इनकी जीन्स हो चाहे इनके जूते हों, वो आपको 299 से शुरू होकर 650 में जीन्स है और 399 में शर्ट, तो ऐसा नहीं है। और भी स्टोर्स में जाकर इस बात की अभी हम पड़ताल करेंगे और तब इस बड़े स्टोर में जाके आप लोगों से बात करेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब हम आए हैं ऑरेलिया। ऑरेलिया एक ऐसा ब्रांड जो कि लड़कियों में या महिलाओं में आजकल बहुत ट्रेंड में है। यहाँ पर आपको अच्छे सूट तो मिलते ही हैं, साथ के साथ बहुत किफ़ायती भी और बहुत अच्छे से इनकी जो ब्रांडिंग या मेकिंग होती है वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। सैंडल्स हों चाहे सूट्स हों, दे आर प्रीटी मच एंगेज्ड इनटू इट। यहाँ पर एक भाई है। सर ये एक एड आज दिख रहा है जो हमें लग रहा है कि ये फेक है, कहता है कि ऑरेलिया के आप कपड़े अब ये देखिए 299, 650, 399 ऐसे में शुरू हो जाएंगे, क्या ये पॉसिबल है? नो, हिंदुस्तान अखबार में आ रखा है? नहीं, हमारे स्टार्टिंग जैसे दुपट्टा है हमारा 499 से स्टार्टिंग है। अच्छा। बाकी कुर्तीज हमारे 899 से स्टार्टिंग है। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, ये कितना फेक है? ये फेक है पूरा। इसमें देखिएगा, हमने अभी रीबॉक में भी बात की थी, पूमा में भी, और ये सब लोग यही कह रहे हैं। तो जितना भी दर्शक है आज वो थोड़ा जागरूक तो जरूर है अपने आप में। थोड़ी देर में हम ये स्टोर पे भी जाने वाले हैं, इनसे भी बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। देखिएगा यहाँ पर मुझे लगता है इस कॉस्ट पर तो कुछ भी नहीं होगा। 299 का कुछ भी नहीं है हमारे पास। आपका क्या नाम है मेरे भाई? जगमोहन फर्सवाण। फर्सवाण जी का खाजी ना? मैं चमोई थराय। थराय बिटिन ये का कर लो बढ़िया लगो ना। बार बिटिन काम करना या भाई, मैं मतलब ये कंपनी में 7 साल हूं आज। 7 साल? हां। तो ये देखिए हमारा मेहनती और कितना स्मार्ट लग रहे हैं ये भाई। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे अभी और ब्रांड्स से। तो इसी संदर्भ में अब हम पहुंचे हैं रेमंड में। रेमंड आप देखिएगा शूटिंग शर्टिंग के लिए एक पहला ब्रांड ऐसा जिसको कि आज
पूरे देश भर में सबसे अधिक पसंद किया जाता है। कभी भी किसी को अगर एक अच्छा सूट पहने हुए देखते हैं, हम बोलते हैं यार रेमंड का होता तो कितना अच्छा होता है। भाई ये खबर देखी थी आपने? ये खबर झूठ है, ऐसा तो कुछ नहीं है। यही हम भी बताना चाहते हैं, जो आदमी जो आम पब्लिक है आज, उसको सतर्क भी रहना होगा और अपने लिए जिम्मेदार भी। भाई ये ऐसे जैसे ये मेन ऐड दे रहे हैं, चलो ये पैसे दे के ये इन्होंने ऐड लगाया होगा, पर कंपनी को कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लेना चाहिए इन लोगों पर? आपका लोगो भी यूज़ कर रहे हैं। नहीं, हो सकता है ये कंपनी की नॉलेज में ना आए अभी तक ये, अब आपने दिखाया तो बड़ी बड़ी खबर है ये। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए हम भी आज तमाम इन कंपनीज में हम गए। आप पीछे भी आपने देखा कि कैसा पूमा या एडिडास या इनका क्या कहना था इस पर रिबॉक का, और अब हम रेमंड में भी आए। यहाँ पर और भी ब्रांड है, पर अब हम सीधे उन्हीं के पास चलेंगे जिन्होंने ये खबर डाली है, उनसे पूछेंगे भाई साहब आपके पास तथ्य क्या है। इनसे पूछना भी जरूरी था, ये तो आपकी नॉलेज में नहीं है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हमारी नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। चलिएगा, तो आप सीधे वहीं पहुंचते हैं जहां ये खबर है, जहां इंतजार हो रहा है इतनी बड़ी सेल का, जो इतने तमाम ब्रांडेड जो कपड़े हैं उनकी उन्होंने कर दी हैं 150 दुकानें बंद और चलाने वाले हैं अपना अपना खर्चा। तो अब हम पहुंच चुके हैं मधुबन, जहां का ये एड्रेस दिया गया था, अखबार के एड्रेस पर हम पहुंचे। तो यहां पर आप बाहर भी देख पा रहे होंगे सेल 91% है और सभी वही ब्रांड यहां पर भी हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखे। अब ये मधुबन में है, तो मधुबन भी एक क्लासी होटल है देहरादून का, जो काफ़ी समय से बहुत प्रचलित है और उस पर भी एक हमारी नज़र हमेशा बनी रहती है कि किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उनको आपको दिखाएंगे। जो ब्रांड के अलग अलग शूज़ की बात कर रहे थे या अलग अलग जो स्टोर में चीज़ें चल रही थी, ये देखिएगा। अब आप यहाँ पर हमने आपको दिखाया था किस तरह से रीबॉक में या फिर पूमा में या अन्य अन्य स्टोरों पर जो हिसाब से सारे जूते लगे हुए थे, ये यहाँ पर कुछ जूते लगे हुए हैं, ये यहाँ पर वो सारे शूज़ हैं आप देख सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं, अलग अलग कंपनीज़ के हैं। तो इसमें हमें देखना होगा कि इनकी क्वालिटी किस तरीके से है, और जब हमने इनसे बात की थी तो इनका कहना है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है, जो ये प्रोडक्ट है ये भी ओरिजिनल है। और हुआ क्या है कि कुछ स्टोर एक दो बंद हो गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और फिर आगे आपको दिखाएंगे। मेरे भाई क्या नाम है आपका? भाई साहब इधर आओ जी। नमस्कार मेरे भाई। नमस्कार सर। ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, चाहे जूते हों या अन्य कपड़े भी, ये कितने ओरिजिनल है? 100% सर, 100%। इसका कोई वो है आपके पास? क्या चीज़? बारकोड, कूपन वगैरह सब चीज़ मिलेगा। क्या चीज़? इस कोई भी जो जूता है अगर हम उसको स्कैन करते हैं तो वो पता चलता है कि वो पूमा का है या रिबॉक का है। कर लीजिए, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप करके देख लीजिए स्कैन, आप प्रूफ तो कीजिए कि ये नकली है या डुप्लीकेट है। चलिए, दरअसल हमने जब आपसे थोड़ी देर पहले वीडियो देखा था रीबॉक का और पूमा का, उनमें जो स्टोर में जो जूते रखे हुए थे वो कतई ऐसे तो नहीं थे। एक बारकोड होता है हर कंपनी के जूते पे, इस पे वो बारकोड यहाँ पर तो हमें नहीं दिख रहा है, जिससे कि इनकी ओरिजिनलिटी का यहाँ पर एक बारकोड जरूर है, इसको हम जरूर देखेंगे। ये पकड़िएगा, इन्होंने क्लेम किया है कि ये शूज इनका बिल्कुल सही है और अपने पूमा का एक शूज है यहाँ पर, इसके हम मगर यहाँ पर एक बारकोड एनालिसिस है इसका, स्कैनर है और ये मैंने बारकोड ये स्कैन नहीं हो रहा, लेकिन अभी एक जूता स्कैन जरूर हुआ था जो कि बिल्कुल भी उस बारकोड में फिट नहीं बैठ रहा था और ना ही उसका कोई रिजल्ट आया, और ये स्कैन ही नहीं हो रहा है। पर और भी जूते हम देखेंगे, उनको स्कैन करने की कोशिश करते हैं कि ये ओरिजिनलिटी किस हिसाब से है और कितना ये ओरिजिनल है। पूमा के अक्सर जो जूते होते हैं उनमें स्कैनर लगा हुआ होता है, ये देखिएगा इसमें स्कैनर लगा हुआ है, और अगर मैं स्कैन इसको करूं, ये बिल्कुल मैं ऑनलाइन कर रहे हैं आप सब लोगों के सामने देख पा रहे होंगे, अब ये स्कैन ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्कैनर ये कोड ही नहीं इसको पढ़ पा रहा है। और इस तरह से यहाँ पर तमाम जो प्रोडक्ट हैं आप वो देख पा रहे होंगे, इधर भी कुछ जूते लगे हुए हैं। यहाँ पर भी एक जूता है, देखिएगा मैं इसका स्कैन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये स्कैन नहीं हो रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी अनियमितताओं की अगर हम बात करें तो वो दिखती भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है
कि जो लोग अगर यहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं आज, उनको एक एक चीज़ इच्छा जरूर होगी कि यार हमें सस्ते में ये प्रोडक्ट मिल रहा है। सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि वो जो कंपनीज़ हैं जो इन ब्रांड्स को बनाती हैं, उन पर कितना फ़र्क पड़ने वाला है। आप सोच भी रहे होंगे कि हम ये खबर को इस तरह क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि ग्राहक भी जागरूक बने। केवल आप ये देखिएगा, अगर कोई घड़ी की वॉच, ये जैसे घड़ी है, अगर इसके फास्ट ट्रैक की ये वॉच है, अगर इसकी कीमत है कुछ अमाउंट और उसको कोई 200-300 रुपए में अगर बेचने की बात करें तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो काला होगा। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, यहाँ पर शोरूम बंद हो गए इस वजह से हो रहा है। कुछ ग्राहकों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर आ रखे हैं। नमस्कार मेरे भाई, कहाँ से आ रखे हो आप? आपसे बोल रहा हूँ, कहाँ से आ रखे हैं आप? नहीं जी, इनसे बात कर रही हूँ। अरे बोला तू भाई, के दिन ना बताओ, डर भी रहे यार। एक और भाई यहाँ पे, हम स्मार्ट, वो वैसे चेंज करते भी जा रहे हैं। और क्या नाम है मेरे भाई आपका? सुमित। सुमित, क्या लेने वाले हो आज? आज बेसिकली मैं ड्राई फ्रूट शर्ट देख रहा हूँ। क्या लगे, ये ओरिजिनल कितने लग रहे हैं आपको? ओरिजिनल इसमें लगभग सारे मिंत्रा के ब्रांड हैं, जितने भी आचार एक्स और स्पंक हो गया और बाकी कुछ कुछ एसिक्स वगैरह ब्रांड है इसमें। नहीं, जैसे ये बात कर रहे हैं जो आप अभी शर्ट भी देख रहे हैं, टी शर्ट देख रहे हैं, ये किसकी है? एडिडास की है? नहीं, ये तो स्पंक की है। स्पंक की है, तो ये इसकी जो ये ओरिजिनलिटी है, ये किस तरह से आप नापते हैं इसको? ऑरिजिनलिटी में तो कपड़े की क्वालिटी देख के पता कर रहा हूँ कि कपड़ा अगर बिल्कुल स्मूथ है और कोई इसमें वैसे किसी किसी जो ऑरिजिनल है उसमें किसी किसी में डिफेक्ट भी है यहाँ पे ना, तो बेसिकली पूरा चेक करके देखना पड़ता है कि डिफेक्ट तो नहीं। हमने अभी देखा एक पे, हमने बारकोड लगा के देखा था लेकिन वो उस कंपनी का निकला ही नहीं। वो तो मैंने चेक नहीं किया बारकोड के हिसाब से, पर क्योंकि किसी में तो टैग ही नहीं है। आप भी युवा हैं, कहीं ना कहीं हमें तो जागरूक तो होना पड़ेगा। जागरूक तो है कि मतलब कि टैग वो करना, स्कैन करना चाहिए। हम अभी पुमा के और रिबॉक के इनके स्टोर्स में भी गए थे, जहाँ पर अगर इसी टी शर्ट की हम बात करें तो ये शायद 199 की होगी। हाँ, आराम से 199 से ज़्यादा की भी हो सकती है कोई टी शर्ट। यहाँ पर यही देखिए, 250 रुपये में एक और 1000 में 5, क्योंकि हो सकता है ये पुराना स्टॉक हो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 2019, किसी में 2016 ऐसा भी लिखा हुआ है, हो सकता है स्टॉक आउट करने के लिए कंपनी ने बेच दिया हो। इस बारे में तुम कुछ चलिए अपनी तसल्ली के लिए इरादा ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा जीन्स भी हैं। अब जीन्स की अगर लिवाइस की हम बात करेंगे तो लिवाइस की एक जीन्स कहीं ना कहीं 3500-3000 से शुरू ही होती है और उसके बाद वो इस तरह से अगर हो रही है तो वो एक बड़ी बात है। इनकी कीमत है 600 रुपये से लेकर 800 रुपये तक है। अंदर लेडीज़ का भी है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये तमाम टी शर्ट्स देखिएगा, ऐसा लगता है कि संडे मार्केट यहाँ पर वापस से खुला हुआ है और उसको नाम दिया जा रहा है कि ये ब्रांडेड स्टोर एक है। यहाँ पर लेडीज़ का और बच्चों के शायद किड्स वेयर यहाँ पर है, 450 रुपये में फ्लैट कोई भी आप शर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा भाई भी है। मेरे भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? अरे शर्मा क्यों रहे? मेरा नाम वियान किशोरी है। अच्छा किशोरी जी, क्या क्या खरीदा आपने अभी? कौन सी क्लास में हो आप? क्लास तो बता दे। शर्मा गया भाई, ये भी तो शर्माते भी हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन ये देखिएगा आप जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं मैम? अच्छा मैम इधर आइएगा ज़रा। ये जो शूज़ हैं ये कौन कौन से ब्रांड के बता रहे हो आप? अलग अलग ब्रांड्स के हैं सर, जैसे मतलब बाटा के हो गए, महिंत्रा के हो गए, मतलब अलग अलग कंपनीज के हैं, काफ़ी सारी कंपनी। क्या लग रहा है ओरिजिनलिटी कितनी है इनमें? सर काफ़ी है, 95%। अच्छा 95% ओरिजिनल है। हाँ जी। ये कैसे पता चलेगा सर? फैब्रिक से। मैंने बारकोड अभी देखा था, बारकोड तो किसी का भी नहीं मैच हो रहा सर। फैब्रिक से पता चल जाता है, क्वालिटी से पता चल जाता है। अच्छा। हाँ जी। कैसे अंदाजा लगाते हो आप, खाली केवल छूने भर से? सर ऐसे नहीं हो। जो वो लोग हैं जो इसको शोरूम में बेच रहे हैं इन्हीं को, वो इनको 2-3 हज़ार से नीचे नहीं बेच रहे? सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। नहीं, फिर भी इसके बारे में कुछ तो बताऊंगा सर, कुछ नहीं पता। सॉरी। देखिएगा ना, यहाँ पर जो स्टोर ओनर है वो भी हमसे बात नहीं कर रहे थे इस मामले में, और ना ही जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो। बहुत बड़ी बात है ये, इसको उत्तराखंड की जनता हमारी जो है वो बहुत भोली वाली है। हमें लगता है कि पूमा रिबॉक स्टोर ये सब नाम लेकर आज हम कुछ भी खरीद लेंगे तो वो कितना ओरिजिनल होने वाला है वो आपको देखना होगा। इसी तरह से अगर पालिका में या पलटन में आप चले जाएंगे तो पलटन में शायद आपको जो चीज़ें हैं वो दुकानदार की गारंटी तो होती है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नो गारंटी नो वारंटी नो एक्सचेंज। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप ज़रूर आइएगा अगर आपको आना है यहाँ पर, लेकिन चीज़ें बहुत सारी हैं और इस तरह से ब्रांड के अगर कपड़े कहीं पर मिल रहे हैं तो वाकई अचंभा भी होता है। और यही अचंभा हमें यहाँ खींच कर भी लाया एक अखबार के ऐड के माध्यम से, और आप सब लोगों को भी हम वही अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी कि जो ये चीज़ें चल रही हैं उत्तराखंड में इस तरह से, कोई तो व्यक्ति होगा जो इसको कहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत तो एक जगह से करनी होगी जहाँ पर कि चीज़ें स्पष्ट भी हों और हम सब के हिसाब से भी हों।